नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, काफ़ी रीज़न हो गए थे कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ब्रह्मांड रहेगा और ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे वो इस वीडियो का पार्ट रहेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। छोटी सी बात और रह जाती है, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना न भूलें। अच्छा दोस्तों शुरू करते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए कि ब्रह्मांड क्या है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ही ब्रह्मांड है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, मतलब ब्रह्मांड विज्ञान। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में क्या आएगा? कॉस्मोलॉजी। तो आप कॉस्मोलॉजी को याद कर ले क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड की आयु आकी गई है लगभग कितनी? ब्रह्मांड की आयु आकी गई है 13 बिलियन वर्ष। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो यदि व्यास की बात की जाए ब्रह्मांड की तो वो है 10^8 प्रकाश वर्ष। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कहलाती है। मैं रिपीट करता हूँ कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? आंसर रहेगा बिग बैंग। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की संकल्पना दी किसने? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की संकल्पना दी किसने? तो हमारा आंसर रहेगा जॉर्ज लेमिंटर ने। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है क्या है? वो है पार्सेक। अब पार्सेक की बात की जाए तो एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के, मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पार्सिक होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है यदि पूछ लिया जाए तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक साल के दौरान, मतलब एक वर्ष के दौरान प्रकाश कितनी दूरी तय कर सकता है। तय की गई दूरी एक वर्ष के दौरान प्रकाश के द्वारा, उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? ये कहा था कोपरनिकस ने। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है किसने कहा था? पहले जो क्वेश्चन था वो ये था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है ये किसने कहा था, अब ये क्वेश्चन है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है ये किसने कहा था? ये कहने वाले थे केपलर। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी गोल है कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे यदि पूछा जाए तो हमारा आंसर रहेगा पाइथागोरस। उसके बाद बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन जो अब आएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आपको याद भी होगा क्योंकि इतने बार आ चुका है क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है हेली धूम केतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? तो हमारा आंसर रहेगा 2062 ईस्वी में। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है तो यदि पूछ लिया जाए तो 89। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सूर्य सबसे बड़ा तारामंडल है, मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे बड़ा तारामंडल है कौन सा, तो यदि ये पूछा जाए तो हमारा आंसर रहेगा हाइड्रा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला तारामंडल है, मैं रिपीट करता हूँ सबसे चमकीला
तारा मंडल है कौन सा? तो हमारा आंसर रहेगा सेंट्रास। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना न भूलें। अच्छा दोस्तों, जय हिंद।